पोलीस होमगार्ड असेल त्यांनी कृपया या ठिकाणी येऊन ही व्यवस्था व्यवस्थित बघण्याची तेव्हा आलेल्या या रॅलीमध्ये आलेल्या सर्व संयोगाचं मी या ठिकाणी मनापासून स्वागत करतो. बहुती अक्षरधनचे आम्ही आवाज झालेला आहे. मालेगाव शहराचे आमदार मान्य मौलाना मुफ्ती इस्माईल साहेब भाई. ये 15 अगस्त का दिन है और ये सरकारी तकरीब है. मेरे साथ आने वाले तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि ये सामने का पूरा मैदान खाली कर दे. पीछे जहां आम पब्लिक है आप वहां जाकर के खड़े रहें और सरकारी प्रोग्राम में किसी किस्म की रखनाअंदाजी नहीं होनी चाहिए. पूरी शान के साथ आज हमारा देश अमृत महोत्सव मना रहा है. इस देश भारत की आजादी पर 75 साल गुजर चुके हैं और ये 76वां यौम आजादी है. आज इस मौके पर सरकारी तकरीब का जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम शुरू से आखिर तक पूरे इत्मीनान के साथ होना चाहिए. किसी किस्म की कोई बदनजमी ना हो. ये सामने जितने बच्चे खड़े हैं सबसे मेरी गुजारिश है कि ये जगह खाली कर दे. पूरा मैदान खाली कर दे. कोई यहाँ खड़ा नहीं रहेगा. आप पीछे चले जाएं और फोटो बनाने वाले भी यहाँ से हट जाए. जिनका मीडिया से ताल्लुक नहीं है वो यहाँ से हट जाए और ये पूरा ग्राउंड खाली करे. पूरे इत्मीनान के साथ प्रोग्राम होना चाहिए. हमारी वजह से किसी तरह की बदमजगी ना हो. पिछले सालों में हमने देखा कि लोग हुल्लड़बाजी करते हैं, शोर शराबा करते हैं और प्रोग्राम बहुत मुश्किल से खत्म होता है. हम लोगों का ये तौर तरीका हमारे लिए बदनामी का बाइस है. मेरी फिर ये गुजारिश है कि आप दूर रह करके इत्मीनान के साथ पूरा प्रोग्राम देखें. मजमे में और मैदान में घुस जाने की वजह से हमारा ये सरकारी प्रोग्राम खराब हो जाता है. मेहरबानी करके ये मैदान खाली करें. दूर से रह करके प्रोग्राम को देखें. प्रोग्राम देख रहा है भाइयों, देखो यूट्यूब चैनल्स सभी चैनल वालों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ. क्योंकि आप लोग सामने से जो हमारे मेहमान बैठे हैं उनको ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत अड़चन आ रही है. आप जरा बाजू बाजू का कार्यक्रम हो रहा है. सब लोग शांत हो जाइए.
तीन में दाहिने पाए चल गए थोड़ी देर में हमारे मालेगांव शहर के जानकार सौभाग्य यात्री गणे मैं आपसे बार बार